हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक गोदारा आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। अपन लोग पढ़ेंगे आज ग्रेविटेशन। अपना जो चैप्टर नंबर है आपका वो ये फोर्थ है वैसे, और ऐसे बुक से अब 10 नंबर है, ऐसे अपने हिसाब से ये चैप्टर नंबर 4 है अपना ग्रेविटेशन। इससे पहले 3 चैप्टर अपन लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। आज इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था फोर्स एंड मोशन। ये फोर्स का ही एक टाइप होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन है वो अर्थ के द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया फोर्स होता है। अर्थ, इसकी डेफिनेशन होती है अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया गया फोर्स जो अर्थ की ओर उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उसी को हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। ये एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। इसी फोर्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छे से समझना आप लोगों को इसके बारे में। ग्रेविटेशन फोर्स है, इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था हम लोगों को। सर आइजक न्यूटन ने इसके बारे में हम लोगों को बताया था, और इन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में डिटेल दी थी। ऐसा माना जाता है कि न्यूटन सर किसी पेड़ के नीचे बैठे थे और उसके ऊपर एप्पल आकर गिरा, तो उन्होंने इसके बारे में सोचा कि एप्पल नीचे की साइड क्यों आया। फिर अपने रिसर्च किए और इन्होंने पाया कि अर्थ है वो किसी हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना एक फोर्स लगाती है, और उस फोर्स के अकॉर्डिंग वो किसी भी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मास होना चाहिए, वेट होना चाहिए, ठीक है। वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटेशन एक्सीलेशन, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट क्लास में मैंने आपको फोर्स की डेफिनेशन बताई थी, मास इनटू एक्सीलेशन। यहां ये एक्सीलेशन ग्रेविटेशन एक्सीलेशन के रूप में पढ़ाया जाएगा। एक्सीलेशन का मीनिंग होता है वेलोसिटी का रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना, और ग्रेविटेशन एक्सीलेशन में भी यही होता है, वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये अंडर द ग्राउंड लगता है, ग्राउंड की ओर लगता है, और ग्रेविटेशन फोर्स के साथ में इसको लगाया जाता है। अर्थ के लिए इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलेशन की यूनिट होती है, आप लोग इतना जानते हो, और इसका वैल्यू ध्यान रखना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अप्रोक्सीमेट इसको कई बार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है। क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, सिंपल सा ध्यान हो जाएगा। ग्रेविटेशन क्या होता है, ये एक रूल होता है। ग्रेविटेशन का जो लॉ है ये लॉ दिया था सर आइजक न्यूटन ने। उन्होंने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की ओर अट्रैक्ट होगा, या दो ऑब्जेक्ट जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनके अंदर मास होना चाहिए। अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम होगा ग्रेविटेशन एक्सीलेशन, सॉरी ग्रेविटेशन होगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन का मास इंटू एक्सीलेशन, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने एक लॉ दिया था अपना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सीलेशन, ठीक है। तो आप लोगों को ग्रेविटेशन अच्छे से आई थिंक समझ में आया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की मीनिंग क्या होती है, उसके बारे में फोकस करना है। ग्रेविटेशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। जब दो कोई भी ऑब्जेक्ट जिनका अलग अलग मास हो, ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट कम वाले मास वाले ऑब्जेक्ट को हमेशा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशन। किसने बताया था, न्यूटन सर ने इसके बारे में हमको सबसे पहले बताया था। अब देखिए इसका एक लॉ चलता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। यूनिवर्सल लॉ का मतलब पूरे यूनिवर्स में ये चलता है, और इसी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपन लोग बोलते हैं। न्यूटन सर ने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका दो ऑब्जेक्ट जिनके मास अपन लोग लेट कर लेते हैं, लेट द मास ऑफ बिग ऑब्जेक्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट इज कैपिटल एम, ठीक है। लार्ज ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उसको हम लोग किससे लिख देंगे, कैपिटल एम से, और स्मॉल एम से लिखेंगे वो हो जाएगा स्मॉल ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उससे। दो ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को क्या करने चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, तो लेट द लार्ज ऑब्जेक्ट मास इज कैपिटल एम, स्मॉल ऑब्जेक्ट मास इज स्मॉल एम, एंड फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग डी से लिखेंगे, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस किन के बीच की होगी, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है। तब इन्होंने बोला कि कोई भी फोर्स वो इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीपल के रूप में होगा। इन दोनों ऑब्जेक्ट का जितना मास होगा उन दोनों के मल्टीपल के बराबर इस पे फोर्स लगेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया इसने। और दूसरा बोला कि इन ऑब्जेक्ट के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर, 1 अपॉन
डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, और अगर डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आई बात, सिंपल सी। ये आप लोगों को ध्यान देना है कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगी। यानी दो ऑब्जेक्ट जितने पास आएंगे उतना उनके बीच में फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जितने दूर जाएंगे उतना फोर्स क्या होगा, घटता जाएगा। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू से उन्होंने बताया था, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को इधर लिख रहा हूं, राइट हैंड साइड अलग है इसलिए राइट हैंड साइड को मैं इधर मेंशन कर रहा हूं, gmm अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो ये इक्वल टू आएगा, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा यहां पे कैपिटल g, कैपिटल g ग्रेविटेशन के लिए, तो इसका नाम होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम रहेगा इसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद रह जाएगा सिंपल सा g, ये वापस m, m अपॉन d स्क्वायर, ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन का, और इस फॉर्मूले को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हेडिंग लिखोगे यहाँ पर आप लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसके अंदर लिखोगे अकॉर्डिंग टू सर आइजक न्यूटन वी लेट द लार्ज ऑब्जेक्ट मास इज कैपिटल m, स्मॉल ऑब्जेक्ट मास इज स्मॉल m, f इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, d is the distance between both object, distance between both object, दोनों object के बीच की जो distance होगी उसको इससे cover करेंगे हम लोग, hence the formula of the force according to force, दोनों mass जो है उन दोनों का मल्टीपल फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर रिवर्सल प्रोपोर्शनल होगा। रिवर्स प्रोपोर्शनल वन अपॉन में लिखते हैं इसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनल मल्टीपल में लिखते हैं इसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन एंड टू, यहां लिख देना बाई इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसलिए इधर लिख दिया f, इधर की साइड इक्वल है इसलिए इधर वाली साइड को लिख दिया m, और m ऊपर है और d स्क्वायर नीचे इसलिए नीचे लिख दिया। प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा कैपिटल g, इस कैपिटल g को बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे इसको, कांस्टेंट बोलेंगे। और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू आपको ध्यान रखना है, वैल्यू याद रखना अच्छे से। इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का वैल्यू कई बार पूछा जाता है 6.67 इंटू 10 द पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 द पावर माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आप लोगों को कैपिटल जी का वैल्यू ध्यान रखना है, याद रह जाएगा अच्छे से आप लोगों को। व्हाट इज द प्रोसेसिंग ऑफ द न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, तो देखो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ हमको क्या बताता है, तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ आपको ध्यान रखना है, द लॉ ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन टेल अस दैट टू ऑब्जेक्ट विच अप्लाइड ऑन ईच अदर अ फोर्स इज नेम इज न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन दोनों के रेशियो के हिसाब से चलेगा, और इसको बोलते हैं द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इज दैट क्लियर, सिंपल सा प्रोसेसिंग क्लियर रखना है। एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपको इसी तरह से इसको मेंशन करके लिखना है, नीचे लिखना वैल्यू ऑफ जी, ये होती है जी की वैल्यू। अब आपको इसकी यूनिट पूछे तो ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, यूनिट कैसे आई तो ध्यान रखना, यहाँ से मैं ट्रांसफर करूंगा तो देखो जी का वैल्यू क्या होगा इस इक्वेशन से आगे, इधर देखना, यहाँ मैंने इक्वेशन लिखी f इज इक्वल टू जी कैपिटल m स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर, मेरे को चाहिए g की वैल्यू, तो g यहाँ रहेगा तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो f इंटू d स्क्वायर, देखो डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। f का मतलब होता है फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, d मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस को मापते हैं मीटर में, मीटर का स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर, मास को मापते हैं किलोग्राम के अंदर तो इसकी यूनिट किलोग्राम, तो ये इसकी यूनिट बन गई। यूनिट निकालना आना चाहिए, इसका वैल्यू ध्यान रखना है आप लोगों को, और g का फॉर्मूला ध्यान रखना है आप लोगों को, g का फॉर्मूला ध्यान रखना है।
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको ध्यान रखना। तो ये थी आज आपकी पहली क्लास, इसमें अब मैंने इंट्रोडक्शन दिया पहले तो आपको ग्रेविटेशन का, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से यूनिवर्सल लॉ अप्लाई होता है ग्रेविटेशन का, और इस पोर्शन को आपको ध्यान देना है, इसको अच्छे से राइट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो, ठीक है, बाकी आपको राइट डाउन में मिल जाएगा। अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करना, और आगे आपको कोई भी समस्या आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।